एक बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, आपके पियर में कोई फंक्शन होता है उसमें भले ही आप चूक जाने, लेकिन आपकी देवरानी जेठानी और ननद के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में आप मत चूकना, क्योंकि पुरखे आशीर्वाद देते हैं। इनसे बोलचाल बंद मत करना। जेठानी माँ नहीं माँ से ऊपर होती है, देवरानी बेटी नहीं बेटी से ज्यादा होती है, ननद बहुत पूज्य है। 100 यज्ञ करने से भी उतना पुण्य नहीं मिलता जितना के ननद का आदर सम्मान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसके चरण छूकर आशीर्वाद लेने से जो मिलता है। लेकिन ननद को भी चाहिए कि भाभी की ज्यादा चुगली अपनी मैयों से ना करती रहा करे, मम्मी ये तो ऐसी है, पाम फेरो आ गई है, ऐसी है, अब तुम इंतजार करो ससुराल तुम कैसे निभाओगी, ऐसी है पता नहीं क्या क्या बोलती रहती। ननद का अर्थ है जो भाभी को आनंद दे, उसकी चुगली करे अपने भैया से और मैया से तो ठीक नहीं है। वो भाभी का अर्थ है जो अपनी ननद की भावी मुसीबतों को काटे। भगवान ऐसा किसी के संग ना करे, इससे महापुराण में कथा आती आगे उपमन्यु की, जिसे ब्राह्मणों में उपमन्यु गोत्र चलाए, आगे मैं सुनाऊंगा वह कथा। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे और किसी बहन की ससुराल छूट जाए, चाहे पति के ना होने पर या पति से नहीं बनती है तो वह छूट जाता है घर और वह अपने पियर में आकर के रहती है, और उनके लिए पियर में उस बहन को गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, यदि मेरी किसी बहन को ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हुई है, वो पियर में रह रही है, तो उसकी भाभी को चाहिए वो अपनी ननद को साधारण स्त्री नहीं ये समझ ले कि साक्षात दुर्गा भगवती हमारे घर में रह रही है। अपने बच्चों का करने में भूल जाना, लेकिन उसका ख्याल रखना ना भूलना, उसका ख्याल रखना। पुण्य देखिए, धर्म देखिए, आपका धर्म कैसे ऊपर जाता है। लेकिन होता कुछ और है, भाई और बहन में बड़ा प्रेम होता है, लेकिन पत्नी के कहने से भैया भी भगनियों से बहुत दूर चला जाता है, उनको कोसा जाता है, उल्टा पुल्टा कहा जाता है। ये सब कुछ होने पर बेलपत्र चढ़ा के क्या होगा, फिर क्या होगा, छपरा नहा के फिर मछली तो फिर नदी में ही पड़ी रहती है, वो भी देवता बन के उड़ गई होती है आकाश में। गंगा जी भी तभी उद्धार करती है जब हम अपने इस लौकिक धर्म में बन जाए, इस परंपराओं को पूरा